हेलो फैमिली वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली क्या है ना, आज ना मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, पता है क्या? मैं फ़ोन मैंने हाथ में रख रखा था, मैंने सारी चीज़ें डाल दी और मुझे ये भी याद नहीं कि मेरी वीडियो नहीं बन रही है, तो मैं इसलिए ओवर वीडियो ओवर वॉइस डाल रही हूँ इसमें। एक्चुअली क्या है, अभी आज हम खीर बना रहे हैं, ऐसे मन का घर में बनाने का, ऐसे मन में खाने का। वैसे हाँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, शुगर मैंने बिल्कुल अवॉइड की हुई है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो देखते हैं खीर अगर मम्मी खाने देगी तो ऑब्वियसली मैं खाऊँगी। ये मैंने खीर बनाई है, एक्चुअली मैंने और मम्मी ने साथ में मिलकर बनाई है। मैंने रिंग लाइट नहीं रखी थी, ऐसे ही कैमरा पकड़ के बनाई है, तो थोड़ा विजिबल ठीक नहीं हो रहा होगा। और मैं बता देती हूँ मैंने कैसे कैसे डाला है, बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। स्टार्टिंग से लेके आने तक की मैं वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, मतलब जल्दबाजी में ना चीज़ें समझ नहीं आती है, कैसे क्या करें कैसे क्या करें। यह वैसे चावल की ही खीर है, बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई हुई है, पर इसमें ना हम एक चीज़ ऐड ऑन करते हैं, मखाना जो होता है ना, मखाने को रोस्ट करके। मैंने वैसे भी अपने लिए पर्सनली मखाने को घी में, मैं कभी करूँगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये मेरे ना एक्चुअली डाइट में है ये सारी चीज़ें, मखाना खाना, तो मखाना मैं खाती हूँ। ये मैं मखाना खाती हूँ दिन में 4 और 5 बजे, थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मेरी रिंग लाइट भी ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं, पर फिर भी धीरे धीरे करते हैं अरेंज। वैसे बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। ये हमने दूध लिया है पहले, ठीक है, दूध जब तक उबला है ना, जब तक मम्मी ने वो जो मखाने मैंने रखे थे वो मखाने हम पहले घी में रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, वो इसमें डालते हैं। हमारी मतलब हम जो खीर बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी होगा। इसमें देखो मखाना था, मखाने के छोटे छोटे पार्टिकल थे, चावल थे दूध तो ऑब्वियसली है ही। तो खाना मैं सारे बना लेती हूँ, हर एक टाइप से बना लेती हूँ, पर ये है ना मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं ना, एक हाथ से मैंने वीडियो पकड़ी हुई है, फ़ोन को पकड़ा हुआ है, दूसरी हाथ से मैं चला रही हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा में इसलिए ले लिया था, ये एक्चुअली क्या ना, पहले हमने छोटे बर्तन में बनाया था, हमने दूध उबाला, पहले मैं बता देती हूँ कैसे कैसे बनाया। हमने दूध उबाला एक साइड, और एक साइड हमने चावल धोए, और एक साइड हमने जो मखाने होते हैं उनको रोस्ट किया, उनको पीसा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मम्मी घी भी डालती है, और मैंने मखाना भी डाला है इसमें। शुगर हम थोड़ा लाइट रखते हैं, बहुत कम खाते हैं, मतलब घर में तो मैं खा ही लेते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ अभी, शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत कम खाती हूँ मैं शुगर भी खाना भी। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करके डाले हुए हैं, हल्का हल्का फ्राई कर लिया था, लाइट फ्राई बिल्कुल ऑरेंज फ्राई। और आप देख सकते हैं, मतलब आप लाइटिंग का इशू आई नो, और बट इस मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें ठीक रखूँ। पर मैं भूल गई एक्चुअली, पता है अब आज मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कैसे क्या बनाएं। मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा था भाई प्लीज़ कैमरा पकड़ लो, तो उसने ऐसे ऐसे जैसे बेचारे से पकड़ा गया, उसने ऐसे पकड़ लिया। ये रात को की ही वीडियो है, और लास्ट में आगे जाके छोटा सा स्मॉल सा 1 मिनट 2 मिनट का फ्रेंच होगा सॉल्व होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे ऐसे ही करूँ। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा कैसा नहीं है। खीर टेस्ट वाइज वो मैं मॉर्निंग में बता पाऊँगी आपको, कल की वीडियो में मैं बना दूँगी। और कल जैसे भी देखो, मैंने ये सोचा है कि मैं ना प्रॉपर तरीके से ब्लॉग नहीं बना पाती। हाँ बस ये है कि मुझे एक शौक़ है खाना बनाने का, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का। तो मैं हर संडे को, वैसे हम मतलब संडे को मैं चीट डे रखती हूँ, तो संडे को मैंने सोचा है कि कुछ भी अच्छा बनाऊंगी तो मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो ये फ़िलहाल इस वीक में मैंने ये जो आलू वाले मैंने वो बनाए हैं ना, आलू दही वाले आलू, ये आप कभी भी ट्राई करके देखना, इतना अच्छा टेस्ट है इनका, इतना अच्छा टेस्ट है। आप भी कभी बॉक्स में आओगे तो बोलोगे कि क्या टेस्ट है, पर थोड़ा सा नमक बहुत बचा के डालना होता है उसमें। ये था, ये मेरी दूसरी, ये देख सकते हैं आप कि मेरी खीर का मतलब ही ये होता है कि खीर हमेशा गाढ़ी होती है। तो खीर में मैं एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ,
मैगी में भी एक्सपेरिमेंट कर दे देती हूँ मैं। कल मैंने मैगी में आलू डाल के बनाया, कभी बनाऊंगी अभी आके जाके तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। ये फिलहाल के लिए मेरी खीर है, दही वाले आपने मेरे देख लिए तो यही है। मेरे को ये चीज़ अच्छे लगते हैं करनी तो मैं करती हूँ। ये दूध को हमने उबाल लिया था पहले, चावल को धो के इसको डाल दिया था, हमने थोड़ा सा देसी घी भी डाला हुआ है, मखानों को रोस्ट करके उसको पीस के डाला हुआ है, हल्के हल्के ड्राई फ्रूट हैं उनको गोल्डन ब्राउन करके, गोल्डन फ्राई करके सॉरी, वो भी इसमें डाला हुआ है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं और टच हम इसको बिल्कुल नहीं करते हैं और कभी भी हम बीच में टेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारे घर के रूल्स हैं तो वो चीज़ें हम फॉलो करते हैं। तो साइड साइड में आप देख सकते हैं भी है ना, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, मम्मी बंद कर रही थी, मैंने रुक जाओ एक बार वीडियो बना लेती, कह रही सारा सामान डाल दे, मैंने कोई बात नहीं मैं बना लेती हूँ वीडियो, वो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ कैमरा उसमें ऑन ही नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्या हो रहा क्या नहीं। देखो ये मेरा ही आता है, रिंग्स तो पता ही होगी आपको कि मेरी ही है, तो ऐसी बनी है ये, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी। आप कभी भी बनाओगे ना अपने घर में खीर तो ही ऐसे बनाना है, एक बार जरूर ट्राई करना। दिवाली पे भी हम कुछ अच्छा बनाएंगे या संडे को हम कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ भी खाने में मैंने बनाया, जैसे बिरयानी मैंने बना दी, चिकन मैंने बना लिया, और वेज में भी वेज चीज़ें अगर मैं कभी भी किसी भी तरीके से बनाऊँगी, वैसे मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हुई है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगी। फिर भी दूसरा ऑप्शन मेरे पास है नहीं, एक Q&A का तो है ऑप्शन, उसमें भी मेरी पब्लिक इतनी जुड़ी है नहीं, एक ही ऑप्शन है, और इसके बाद मेरा क्रंच जरूर आएगा, एक मिनट दो मिनट का होगा और होगा सर ठीक है। और ये वॉइस ओवर मुझे करने के लिए सॉरी फॉर दैट, अब मैं क्या करूँ। देखो लाइट 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 अच्छा लग रहा है ना ये, एक्चुअली देखो ये ऊपर से परछाई लग रही है, हमने चेंज किया था। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको भी ऐसा फील होता है कि ये जो डेज चल रहा है ना इन डेज में ना बहुत लो फील होता है, बहुत लो सा, मतलब मन नहीं करता है कुछ करने का, फिर भी कर रहे हैं। हाँ और मेरे को एक चीज़ और बतानी थी, क्लीनिंग की वीडियो मैं जिस दिन करूँगी फ्री होंगी ना तो मैं उस दिन डालूँगी क्लीनिंग की वीडियो, उसी दिन ही मैं क्लीन कर पाऊँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर क्लीन रात को कर भी लूँ तो फिर मैं मॉर्निंग में मतलब मैं धूप कहाँ से लाऊँगी यार रात को, तो इसलिए मैं फिर मैं रख नहीं पाऊँगी धूप में। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सनलाइट भी लगवाऊँ ना, सनलाइट से मैं वैसे बहुत बच के रहती हूँ, और मैं अपने क्लेंस को सोचती हूँ कि धूप लगाऊँ, बाकी धूप लगाने से चीज़ें अच्छी होते हैं, क्रंच होते हैं, विटामिन डी होता है उसमें, तो हड्डियों के लिए हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, ये मेरी खीर बन गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगी, ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का ठीक है, अभी क्रंच